कहावत है, रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई। इसे थोड़ा सियासी अंदाज में बदल दीजिए और ऐसे सुनिए, सत्ता चली गई पर अकड़ नहीं गई। ये लाइन अखिलेश यादव पर बिल्कुल फिट है। अखिलेश यादव आजकल सत्ता से दूर है, लेकिन उनकी अकड़ अभी भी वही है। जैसे यूपी की गद्दी पर बैठकर वो दिखाते थे, तब भी बात करने का लहजा वही था जो बात करने का लहजा अब है। लेकिन इस बार जिस हनक और अंदाज में वो बात कर रहे हैं, उसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें उनके विरोधियों ने ट्रेंड करा दिया है और नाम दिया है लाल टोपी वाला गुंडा। सवाल ये कि ऐसा क्यों, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 2018 में ही मुकदमा दर्ज हुआ था खेड़ का। सवाल वो नहीं है, तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बताओ बताओ, अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की ओर है। प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। बस एक सवाल था जिसके जवाब में अखिलेश यादव ऐसे भड़के कि हैसियत से लेकर बिक जाने और फिर छप जाने तक की बातें करने लगे। पत्रकार को अखिलेश यादव जितना सुना सकते थे सुना दिए, क्या क्या नहीं कहा, और कहते कहते वो सब कह गए जो नहीं कहना चाहिए था। असल में अखिलेश यादव आजकल दिन रात योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसी मामले से संबंधित सवालों को सुनते ही अखिलेश भड़क जाते हैं। हुआ ये कि हाथरस कांड को लेकर अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर प्रवचन दे रहे थे, जितना कह सकते थे सब कह रहे थे, लेकिन पत्रकार ने कहा कि हाथरस मामले में 2018 में ही छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था। बस इतनी ही बात थी, इस पर अखिलेश यादव भड़क गए और भड़के तो आपा खो बैठे और बहुत कुछ बोल गए। 2018 में ही मुकदमा दर्ज हुआ था छेड़छाड़ का। सवाल वो नहीं है, तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बताओ बताओ, अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की ओर है। प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। बोलते बोलते अखिलेश यादव पत्रकार की हैसियत तक बता गए। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल हुआ तो सत्ता पक्ष के लोगों ने अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। मामला सोशल मीडिया तक पहुंचा और फिर अखिलेश यादव के इसी वीडियो को लेकर लोग लिखने लगे, लाल टोपी वाला गुंडा। अखिलेश यादव सत्ता से दूर रहकर अपने अंदाज में अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए पत्रकारों को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया और इसमें अखिलेश यादव ऐसे फंसे कि उन्हें ना तो कुछ दिख रहा है और ना ही कुछ समझ आ रहा है।